मुसीबतों की धूप में ठंडी छांव बन जाती है, अंधियारे पथ पे रोशनी बन जाती है। क्यों ढूंढें हम दुनिया का हर कोना खुशियों की आस में, माँ के चरणों में ही तो जन्नत मिल जाती है। और आज हम दुनिया की हर माँ को झुक कर प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे पार्टिसिपेंट्स अपने ही अंदाज में कहना चाहते हैं कि माँ तुझे सलाम। हमारा ये एपिसोड कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी द ग्रेट चैलेंज दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता है। इस बात की जानकारी देते हुए अपने दर्शकों को कि अगर अनुमान हम ये कर लें कि दुनिया के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं, 3000 भाषाओं के में 55% भाषाओं के अंदर जब भी कोई बालक अपनी माँ को बुलाता है उसमें माँ वर्ड जरूर आता है। अगर आप गौर से देखेंगे संस्कृत में माता है, हिंदी में माँ हो जाता है, अंग्रेजी में ममा हो जाता है, पर्शियन के अंदर मादर हो जाता है, अलग अलग भाषाओं के अंदर अगर आप नोट करें तो माँ जरूर आता है। क्योंकि बच्चे के लिए जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो अ के बाद म पहला वर्ड है जो आसानी से उसकी जबान के ऊपर आता है, म माँ है। ऐसे ही
पुराणों के अंदर किस्सा है कि शनि देव ने कहा किससे, अपने इष्ट से, भगवान महादेव से, हे देवों के देव महादेव, एक पल के लिए मैं आपके ऊपर आने वाला हूं। महादेव चिंता में पड़ गए और उस पल के लिए जाके पाताल में बैठ गए। वो पल निकल गया। महादेव ने कहा, हे शनिराज, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कहने लगे, प्रभु, प्रभु आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव महादेव भगवान शंकर को मैं दो पलों के लिए पाताल में भेज सकता हूं, तो मृत्यु लोक के साधारण आदमियों के लिए क्या करूंगा मैं? तो मृत्यु लोक का साधारण आदमी हम जैसे क्या करेंगे? परंतु भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, मेरा आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति के ऊपर तू सवार होगा, साढ़े साती लगी होगी, सबसे आसान उसका उपाय बता देता हूं। और वो उपाय ये है कि जो भी मृत्युलोक का वासी, नर हो के नारी, बूढ़ा हो के जवान, अपनी माता के चरणों की धूल 80 दिन तक सर पे लगाएगा, उस पे तेरा असर नहीं हो सकता है। ये शास्त्रों के अंदर है। फिलहाल तो वक्त है अपने जोन के गौरव को आगे बढ़ाने का, और इसलिए पहले आपको अपना अपना स्थान ग्रहण करना होगा ताकि हम प्रतियोगिता आगे बढ़ा सके। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 8 बजने के बाद घड़ी की हर टिक टिक के साथ वक्त एक नया मोड़ ले लेता है। किसी की किस्मत बदलती है तो किसी की बिगड़ जाती है। हर रोज तो यही होता आया है, हर बार यही होता आया है और आज भी यही होगा। नीति और प्रीति के सामने मजबूत टीम रतिका और सौरभ की, और अचानक लाइमलाइट में आ गए हैं ईस्ट के संजय और शोमा। जैसे जैसे मुकाबला 27 मई तक पहुंचता जा रहा है, करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत ही रोमांचक भी होता जा रहा है। और इसी रोमांच को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना पहला राउंड खेलते हैं जिसका नाम है काल धमाल। कैसा लग रहा है अपनी कुर्सी पे बैठ के वापस? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। बहुत अच्छा कहा। बुरा क्यों लग रहा है समझ सकती हूँ कि आप ही के जोन की एक टीम आउट हो गई। और अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि ग्रैंड फिनाले का हिस्सा है। ग्रैंड फिनाले का हिस्सा है और अंताक्षरी के परिवार का हिस्सा, एक बार वापस से उनसे जुड़ गए। तो मंडे टू थर्सडे क्या किया अरोरा सिस्टर्स आप लोगों? एक दिन तो सर जो नाराजगी थी आपस में वो खत्म की। आप तो नाराज नहीं थी, आपकी बहन थी, उनकी नाराजगी कम हुई। वही वही। और फिर उसके बाद पूरी तैयारी की। लेकिन ईस्ट कियान, क्या तैयारी की थी ग्रैंड फिनाले में आने से पहले कि इतने स्ट्रांगली आप खेल पा रहे हैं? एक्चुअली ये उनके ऊपर है, ईश्वर के ऊपर। हम लोग अच्छा परफॉर्म किए और आज भी करेंगे डेफिनेटली। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि अरोरा सिस्टर्स तो पूरे जोश खरोश के साथ आई है। नीति के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये जो टीम है ना, ये बहुत ही खतरनाक टीम है। स्पेशली ऑब्जेक्शन राउंड में ये जो बुरा हाल करती है अपने ओपोनेंट का, और ऑब्जेक्शन करते वक्त ना एक्सप्रेशन जो होता है ना रतिका का, मतलब सामने अगर आ जाओ, यहाँ आप हो तो दांत वांत तोड़ दे, मतलब चश्मा वश्मा आपका सही सलामत ना हो। इसलिए अच्छा है दूरी है, पर संभल के खेलिएगा इनसे। काल धमाल मैं आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे हमेशा से अंताक्षरी का खेल खेला जाता है कि जो आखिरी अक्षर है उससे आपको गाना शुरू करना है, बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ फर्क ये है कि उस आखिरी अक्षर में जो भी मात्रा है, यानी अगर को है या कू है, के है, जिस भी मात्रा के साथ वो अक्षर छोड़ा गया है गीत में, आपको उसी मात्रा से शुरू करना है अपना अगला गीत। उसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उतना माफ है, अ आ माफ है। लेकिन अगर कोई ऐसा गीत हुआ जिसके आखिरी अक्षर से कोई गीत शुरू ही नहीं होता, तो आपके लिए हमने बफर के रूप में एक एक अक्षर दिया है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जोकर कह सकते हैं उसे आप। वेस्ट आपके लिए है आपका जोकर क, क से कबूतर। नॉर्थ आपका अक्षर ख, ख क्या, खरगोश। खरगोश, खरगोश से गाना गाइए। सेंट्रल से गमला, ग से गमला, ठीक है। और ईस्ट आप घर, ठीक है। राउंड अच्छी तरह से समझ में आ गया है आपको। 60 सेकंड का वक्त है आपके पास, और आपको क्यू देने के लिए हम आमंत्रित करेंगे किसी को, लेकिन किसे ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद।
इकरार इनकार पास बोला सुधार की। नो नो बाकी आपकी मर्जी। नो 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 यू हां ठीक है तो गिव इट जीरो गिव इट माइनस आई एम गिविंग माय ओपिनियन व्हिच आई हैव अ राइट दैट्स ऑल एंड आई एम मूविंग अहेड दैट्स इट। वेलकम बैक। वक्त है पहले राउंड के क्यू का और क्यू देने के लिए हम बुला रहे हैं नॉर्थ जोन के सुशांत को। आंचल में सजा लेना कलियां जुल्फों में सितारे भर लेना ऐसे ही कभी जब शाम ढले तुम याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। वेरी गुड थैंक यू वेरी मच थैंक यू। ओके आपका क्यू आपको मिल चुका है। गाना शुरू करना है या से आपको रतिका। याद आ रही है तेरी याद आ रही है याद आती से तेरे जाने से जान जा रही है। मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा गाता रहे मेरा मगर इनकार तुम करना था इनकार मगर इकरार तुम कर बैठे कह ले रहे हम कभी आर कभी पार लगा दी रे नजर सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर रमैया बस्ता भैया रमैया बस्ता भैया। टाइम अप हो गया। उसका क्या करेंगे भाई करना था इकरार मतलब तो वैसे भी दो वर्ड की गलती माफ है और आपने स्वैपिंग किया है बिल्कुल सही। नहीं 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 स्वैपिंग और दो गलती की बात नहीं करा। अच्छा वैसे हाँ मतलब उसमें उन्होंने क्या किया करना था इकरार मगर इनका इकरार मगर इकरार तुमसे कर बैठे। आई डोंट थिंक ऐसी चीज के लिए मार्क्स काटने चाहिए हमें यार। देखो व्हाट एवर इट इज यू जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग कवि सम्मेलन दैट्स नॉट। फिर कई बार होता है अनु जी इस राउंड में नो 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 वे Don't argue. क्योंकि उसके repercussion वो precedent वो set कर रही हो कि हर वो team मैं हर team को वही दूंगा। एक गाना last की line में situation कुछ और थी। No situation nothing like this. It is a program of music. आपने गाना गाया आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको ताल में गाइए हम ये नहीं कह रहे कि आप सुर में गाइए लेकिन you cannot just leave the song. जो इन्होंने किया मेरे हिसाब से क्या किया करना था इकरार मगर इनकार तो इसको लगा कि इन्होंने गलत बोल दिया उसको सुधारने के लिए उन्होंने बोला मतलब मुझे आता है करके कि इनकार मगर इकरार तू इसे कर बैठे तो वो उसमें फास्ट बोला इकरार इनकार फास्ट बोला सुधार के। नो नो बाकी आपकी मर्जी। नो 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 यू हां ठीक है तो गिव इट जीरो गिव इट माइनस आई एम गिविंग माय ओपिनियन व्हिच आई हैव अ राइट दैट्स ऑल एंड आई एम मूविंग अहेड दैट्स इट। नो दैट्स फाइन यू आर गिविंग योर गिविंग माय ओपिनियन। नो दैट्स फाइन यू आर गिविंग योर ओपिनियन but you should always remember this is a music program you just cannot skip. I'm not saying that I'm going to deduct your point. What I'm trying to say that north ki shaan central ki jaan aur east ki aan ko ek baar last line ke andar kavi sammelan ki ijazat deni hai na aap try to understand. nahi main jo keh rahi hu anuji wo kuch aur hi keh rahi hu lekin wo koi nahi samajh raha hai isse koi baat nahi kavi sammelan nahi karne ko bol rahi hu na sir zero de rahe hain aur we are moving ahead. nahi zero nahi koi problem nahi hai itna nahi kar rahe lekin ek ek chance unko bhi dena chahiye. i was just giving my opinion we are going ahead with zero why to stretch it. आपका समय शुरू होता है अब। र रातों की साई घनी जब दूर दिल पर बनी ना हो कोई साथी ना हो कोई बाकी ना हो कोई साथी फिर भी अगर मुझे मगर दी तो है तेरे लिए लिए ए
ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आ गए ख्वाबों में छा गया है। है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या। टाइम इज अप, आपका टाइम शुरू होता है। या याद किया दिल ने कहा हो तुम, ढूंढती बाहर है जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, मन रे जाओ तू का दिया था गा दिया। नो नो ऐसे चली चली धीर धरे ओ निर्मोही मोहन जाने दिन का मोह करे, रहना बीती जाए शाम न आए निंदिया न आए आए। हेलो मैं हरी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा गालम नई नई पीत रे, रेशमी सलवार कुर्ता। और आपने भी वही किया जो इन्होंने किया, लाइन गा दी थी रिपीट करी थी इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया उसको। आपने छोड़ा रेशमी सलवार कुर्ता जाली का से गाइए। कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से टकरा गए हम, माँ से पास। मन में कुछ और नहीं है तेरी चाहत के सिवा, सारी दुनिया में नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा। वाह, वादा कर ले साजना तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे होके जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। हा हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ, इतना नहीं गा सके वरना ये मुखड़ा भी काउंट हो जाता। अनु सर मैं इतना कहना चाहूंगी कि नॉर्थ की शान ने जो पहला गीत गाया रातों के साए लता जी का, मैं चाहूंगी एक बार फिर से उसे रिप्ले किया जाए। हमें थोड़ा बहुत हम सबको डाउट है, मुझे और नेहा को भी डाउट है कि शायद उन्होंने कुछ वर्ड्स स्किप किए हैं, बस हम एक बार चेक करना चाहते और कुछ। ओके ओके फाइन, जस्ट चेक प्लीज। उसमें सिर्फ दो शब्दों के आसपास की गलती थी, ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसे हम मान्य कह सकें, इसलिए उन्हें उस मुखड़े के लिए हम प्लस 10 देंगे। टीम का जो डिसीजन है वो सर आपको पर। थैंक यू। राउंड खत्म हुआ और स्कोर्स हैं वेस्ट कमान प्लस 40, नॉर्थ किशान प्लस 30, सेंट्रल की जान आल्सो प्लस 40 एंड ईस्ट बियॉन्ड लीडिंग विद प्लस 45। इस राउंड में 30 ही कमाए इन्होंने, इस राउंड में 30 ही कमाए आपने। आपसे उम्मीद की जा रही थी ज्यादा कमाने की लेकिन 30 कमाए। राउंड खत्म हुआ है तो जनाब सेकंड राउंड आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, बट बिफोर दैट साजना धीरे धीरे साजना। ओ हो 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 आप मत बताइए, गाइए, आपका समय जा रहा है। वेलकम बैक टू गोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी ग्रेट चैलेंज। दूसरे ब्रेक के बाद दूसरे राउंड की बारी जिसका नाम है हेरा फेरी।
आपके सामने जो विजुअल चलेगा ऑडियो सही होगा, पर जो ऑडियो होगा उसमें किसी फिल्म का नाम छुपा है। आपको फिल्म का नाम बूझकर उस फिल्म का कोई भी गीत गाना है, लेकिन वो गाने के लिए पहले बजर दबाना है। सही सही गाया तो +10, तब तक जब तक किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। सही ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन करने वाले को +10, गलत ऑब्जेक्शन पर -15, और जितनी बार ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा उतनी बार -15। दो शब्दों की गलती भी माफ नहीं है। राउंड समझ में आ गया है? चलिए जी, हेरा फेरी नंबर 1। इसकियान। फिल्म का नाम? आंचल। आंचल। गाना गाइए। भोरे भये पंछी धुन ये सुनाई, जागोरे गई ऋतु अभी नहीं आए। भोरे भये पंछी धुन ये सुनाई, जागोरे गई ऋतु फिर नहीं आए। वेरी गुड, रेडी फॉर नेक्स्ट, हेरा फेरी नंबर 2। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली संग दुनिया दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, +10। तीसरे क्लिप के लिए तैयार है, स्टार्ट। आंखों की मस्ती मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों में। फिल्म का नाम बोलो। मस्ती। गाना गाइए। चैन कुली की मैन कुली, मैन कुली की चैन कुली, चैन कुली की मैन कुली की चैन। गाना खत्म हो गया, ऑब्जेक्शन का टाइम भी खत्म हो गया। वेरी गुड, +10। आखिरी क्लिप स्टार्ट। हमें तो भूल चली बाबुल का जेस, पिया का घर प्यारा लगे। सेंट्रल की जान। फिल्म का नाम? बाबुल। गाना? कह रहा है दिल दीवाना, जाने जा खाके कसम। ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि अब बजर दबाने वाला खुद इतनी सावधानी के साथ गीत गाता है कि ऑब्जेक्शन का स्कोप ही नहीं छोड़ता। मतलब उस जो राइट दिया गया है आपको ऑब्जेक्शन का, उसका आपने मिसयूज नहीं किया है। और स्कोर्स हैं नॉर्थ किशान +30। इस राउंड के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं किया आपने। वेस्ट कमान और सेंट्रल की जान अब भी टाई बनाए हुए हैं और दोनों हैं +50 पर। और ईस्ट सेकेंड राउंड में भी लीड को बरकरार रखते हुए हैं +65 पर। अपना मत बोलिए आप, आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि गलत है या सही है।
वैसे ही इंसान टेंशन में खेल रहा होता है, आप बीच में इशारे कर करके उसे और कंफ्यूज कर सकते हैं, और यही कल आपके साथ भी हो सकता है। वेलकम बैक टू कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी द ग्रेट चैलेंज। गीतों की बारिश ने आसमां को भर दिया, रणभेरियों ने रण को दहला दिया, हर अक्षर की धुन पे खेल रहा है इंडिया। फ्राइडे की शाम की प्रतियोगिता का आखिरी फाइनल डिसाइसिव राउंड, जिसका नाम है ओ हम दम सुनियो रे। हमेशा की तरह आपको एक सेट गाना होगा, लेकिन आपके सामने दो धुनों के सेट नहीं बजाए जाएंगे। एक धुन बजेगी, धुन सुन के रजिस्टर करके बजर दबाइए। उस धुन में जो एक्टर हैं और जो सिंगर हैं उनके नाम बताइए, उस गीत को गाइए, और उसी एक्टर सिंगर के कॉम्बिनेशन का कोई भी और गीत गाइए। पर प्लस 20 आपको तभी मिलेंगे जब आप दोनों गीत सही गाएंगे। सेट गाना जरूरी है। दोनों में से किसी भी गीत में कोई भी गलती करने पर -10, चार धुने बजेगी। क्लियर है राउंड? दादा लोग रेडी है? एंड स्टार्ट। सेंट्रल की जान भूमि चलिया और लता मंगेशकर। हाँ जी। इनके कॉम्बिनेशन का दूसरा गाना जी। पिया बिना पिया बिना पिया बिना धुन का वक्त है। बजर्स पे ध्यान, दादा स्टार्ट। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे दीक्षित एंड अलका याग्निक जी। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरा करो तेरा करो दिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बाहर, तेरा करो दिन 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 इंतजार, आजा पिया आई बाहर। आपके लिए भी बाहर आ गई प्लस 20 की। वेस्ट और नॉर्थ, अब टाई आपके बीच है। वेस्ट 50, नॉर्थ 50। थर्ड धुन। ओके ओके, थर्ड धुन। अब गेम सही मानों में कॉम्पिटिटिव हो गया है। ध्यान से, दादा रेडी स्टार्ट। वेस्ट के बाद प्रॉम्प्ट गाओ ना। साजना धीरे धीरे साजना, हो हो जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। बस प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, लिपसिंग पूरा नहीं बता सकते। गाइए नेक्स्ट सॉन्ग कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा, आशा जी और ये मुखड़ा पूरा हुआ है? पूरा हुआ। तो फिर आप मत बताइए, गाइए, आपका समय जा रहा है।
हेल्पिंग हैंड में सिर्फ प्रॉम्प्टिंग अलाउड है, आप पूरा गाना म्यूट लिप्स हिलाकर बता नहीं सकते। उससे भी तो फायदा नहीं, वो बता रहे थे, वो गा रहे, नहीं नहीं वो प्रॉपर गा रहे थे अनुजी, अगर मैंने बीच में आके विजन ब्लॉक नहीं किया होता वो गा रहे थे। उन्होंने पीछे से आंसर पूछा था ऑडियंस से, ऑडियंस से आंसर भी पूछे। ऑडियंस दिस इज चीटिंग एंड दिस इज नॉट अलाउड। उसके अगर ये उसके बावजूद भी माइनस हो गए उसके, ईमानदारी से ना हो तो माइनस हो जाता। सुनो जिस वक्त क्या हुआ, इतना पॉपुलर गाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी समझो, जिस वक्त वेस्ट का मान ने बजर दबाया, डेस्परेशन में दबाया, राइट, डेस्परेट थे, बजर दबाने के बाद द मोमेंट उन्होंने अपने टीम जोन से पूछा प्रॉम्प्ट एंड हेल्प, मुझे तभी पता था तुम गाने को। लेकिन क्या है, अगर ये गाने की एक लाइन गा लेते, वो जैसे है ना कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, प्रॉम्प्ट जरा हॉल, तब तब तुम गा लेती गई। पर आपको आता ही नहीं था। डेस्पिरेशन वेस्ट माइनस 10 रेडी, बंपर धुन से पहले ये आखिरी धुन है। ओके एंड स्टार्ट। लता मंगेशकर। अब आप घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, बिल्कुल सही, +20। स्कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत टेंशन वाले भी हैं। वेस्ट +40 पर है, नॉर्थ 50 पर, ईस्ट 65 और सेंट्रल 90 पर। आज की शाम नॉर्थ और वेस्ट दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है और दोनों में से किसी एक के लिए इस टीम का खाता यही बंद हो सकता है इस बंपर धुन के बाद, और ये बंपर धुन हम खेलेंगे इस ब्रेक के बाद। कुछ कहना चाहूंगी जी, पंक्तियां सौम्य, कुछ लाइनें हैं सुन ले, तू मेरी बात सुन। आई एम सॉरी, इस वक्त नॉर्थ और वेस्ट की स्थिति बहुत ही गंभीर है और वहाँ बैठे कैप्टन्स, कुछ ऐसा है जो आप कह सके जिससे मदद हो सके या कुछ कुछ, कुछ भी? अनु जी मुझे लगता है कि स्वाति और अनु बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बस ये है कि अगर उनको बम्पर धुन अच्छे से आती हो तभी उसको अटेम्प्ट करें, बहुत जल्दी मतलब घबराएं ना, बहुत कॉन्फिडेंस से खेलें और मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ही आएगा आगे। और बहुत सही कहा उन्होंने कि अगर आपको आती हो तो ही खेलें, क्योंकि आप अब भी 10 अंक आगे हैं वेस्ट से, और वेस्ट आप हमारी भले ही सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर हो लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक है। शुरुआत ही गलत हो तो फिर बात क्या, आपको पता है नींव अगर सही ना पड़े, बट फिर ये भी कहते हैं कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, क्या पता +30 मिल जाए तो ये कहावत आप पर ज्यादा एप्ट हो। मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो आप नेगेटिव अप्रोच क्यों रख रही है इस बम्पर धुन से पहले? आज सब कुछ बुरा बुरा होता आया है, अब वो चाहेंगी तो अच्छा होगा। जी कुछ कहना चाहूंगी जी, यही कहना चाहूंगी कुछ पंक्तियां सौम्या, कुछ लाइनें हैं सुन ले, तू मेरी बात सुन ले। आई एम सॉरी, मैं कुछ बोलूं उसके बाद सॉरी बोलना, और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अपनी हिम्मत को बनाए रखो,
अपनी हिम्मत को बनाए रखो, दम में दम रखो, एक भूचाल आए इस तरह से कदम रखो, मुश्किलों से परेशान ना हो हमरा मेरे, वेस्ट को जीतना है बस हौसला कायम रखो जी। और हार से पहले ही हार मान लेने से बड़ी हार कुछ नहीं होती। यहां तक पहुंच कर पहले ही हार मान ली, मुझे पता है कुछ गलत होगा आज, इंटेंशन। अच्छा एक चीज अच्छी हो सकती है, हाँ दे दू, दे दू बिल्कुल, शी नीड्स मैम प्लीज छप्पी। जोरदार तालियां बजाइए वेस्ट के लिए, क्योंकि आंसुओं को रोक कर हौसला बुलंद करके इन्हें आखिरी धुन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। रितिका हम सब तेरे साथ है, रितिका सॉरी कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस और पेशेंस के साथ, ऑल द बेस्ट। इस बार मैं रोऊंगी नहीं। और नॉट, हम जो बात कर रहे हैं वेस्ट से, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये चाहते हैं कि वेस्ट बजर दबाए और आगे आ जाए। कोई भी जोन हारने से पहले हार ना माने, हम सिर्फ ये चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है इस आखिरी धुन पर जो है बम्पर धुन, मुखड़ा, और इस गीत का जो भी गीत होगा उसका एक अंतरा पूरा पूरा सही सही गाना जरूरी है। बजर दबाकर प्लस 30 सही गाने पर, माइनस 15 गलत गाने पर, ठीक है? आखिरी सांस तक खेलना है बम्पर धुन आपके सामने। कॉन्सेंट्रेट एंड स्टार्ट। वेस्ट कमाल, बड़ा नट घट है ये किशन बोलिए, आप गाना गाइए। मेरे प्यारे बंसी बजाइए, बोलिए मत गाइए। मेरे प्यारे बंसी बजाइए, का करे यशोदा मैया, बड़ा नट घट है। मेरे जीवन का तू ही एक सपना, आपने जो गाया वो रिकॉर्ड हुआ, आपने जो गाया वो रिकॉर्ड हुआ, अगर वो सही है तो ठीक है। और बीच में जब तक हम कोई डिसीजन ना दें, आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि गलत है या सही है। ऐसे इंसान टेंशन में खेल रहा होता है, आप बीच में इशारे कर करके उसे और कंफ्यूज कर सकते हैं, और यही कल आपके साथ भी हो सकता है। स्टेज पर है हमारी कंपटीशन कि हम कोई भी गलती या बिल्कुल भी लीनेंट नहीं हो सकते, इसलिए हम ये सबूत लेकर सामने खड़े हैं कि हमने टैली किया है रीप्ले करके, और जो आपकी गलतियां हुई उसमें बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आपने बोला ये वो एक शब्द था जो शायद माफ हो जाता अगर आगे आपने सब कुछ सही गाया होता, लेकिन आपने गाया मेरे जीवन का तू एक ही सपना, फिर समझे वो अपना, लेकिन फिर आपने वापस लाइन जोड़ी, लेकिन आपने बोला देखे जो तो है समझे वो अपना। मेरे जीवन का तू ही एक सपना, देखे जो तो है समझे वो अपना। लेकिन सही लाइन है जो कोई देखे तो है समझे वो अपना, तो काफी गलतियां हैं, माइनस ही देना पड़ेगा। आज के स्कोर्स के हिसाब से सेंट्रल की जान नीति और प्रीति जी की टीम शुक्रवार की शाम को लीड कर रही है, और वो है प्लस 95। शनिवार की शाम
वो प्रतियोगिता की ओपनिंग करेंगे। ईस्ट कियान सेकंड हाईएस्ट लीडर प्लस 65। एक पूरे हफ्ते लीड बरकरार रखने के बाद ये पहली बार होगा कि वो कल शाम को शून्य से शुरू करेंगे। नॉर्थ किसान शनिवार की शाम हमारे साथ खेलेंगे शून्य के साथ, लेकिन शुक्रवार की रात वो है प्लस 50 पर। और वेस्ट कमान रतिका और सौरभ कभी ना हार मानने वाली टीम, आज हार से पहले ही हार मान ली थी उन्होंने और इसीलिए हार ने भी उन्हें गले लगा लिया, वो है प्लस 25। यानी आज की शाम उन्हें रिप्लेस करने के लिए वेस्ट कमान के लीडर्स कैप्टन्स सौम्या और उनकी चाची जी यहाँ आएंगे, अपनी जगह संभालेंगे और अपनी गौरव ध्वजा को लहराएंगे। सौम्या और चाची जी आइए। और सौरभ से कि वो गौरव ध्वजा सौम्या और चाची जी के हाथों में सौंप दें। इनके जोन का वंश इनके बाद कोई और नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सारी टीम्स आउट हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें अब भी आप वापस ला सकते हैं। सिर्फ एसएमएस करते रहिए अपने जोन के लिए गीत स्पेस अपने जोन का नाम 7827 पर। अगर शनिवार की शाम सेंट्रल या वेस्ट में से कोई आउट हो भी जाता है तो आपके वोट्स उन्हें वापस बुला सकते हैं, इसलिए आपके वोट्स जितनी इनकी मेहनत कीमती है उतने ही कीमती है। क्या कहेंगी आप रतिका? आपने कल दावा किया कि वेस्ट ही जीतेगा, नेहा आपने भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट ही जीतेगा, आपका बेस्ट बैट्समैन जो है वो आज जीरो पे आउट हो गया। चाहे हमारा बेस्ट बैट्समैन निकल गया हो लेकिन अभी भी कैप्टन तो है, सेंचुरी मार के दिखाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम आउट हुए, आउट शायद हमें होना था लेकिन मैं इस स्टेज पर आउट नहीं होना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं 27 मई यानी 26 मई को आउट हूँ ताकि सिर्फ एक एपिसोड सौम्या को दूँ। सौम्या एक बार फिर से अभी तुझे जीतना है। कल शाम क्या होगा ये तो पता नहीं लेकिन तीन राउंड आपके सामने पेश किए जाएंगे। आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी कल शाम को 8 बजे स्टार वन पर कोलगेट मैक्स फ्रेश अंताक्षरी द ग्रेट चैलेंज। क्या हसी सितम तुम रहे।